आप देख रहे हैं वायरल एक्स्ट्रा और आपके साथ मैं हूं सृष्टि मारवा। ईद का त्योहार बीत चुका है और लोगों ने धूमधाम से अपने आपस में गले मिलकर ईद मुबारकबाद देकर ईद मनाई, लेकिन ईद के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी जोर शोर से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की बारी बारी से लड़कों से ईद मिलकर गले मिलती नजर आ रही है। लड़की से गले मिलने के लिए लड़कों की लंबी कतार लग गई है, मौका मिलता है और कोई भी लड़का चूकता नहीं है, लेकिन कौन है ये लड़की और कहां का है ये नजारा वायरल एक्स्ट्रा में देखिए वीडियो की पूरी पड़ताल। अगर आपने ये वीडियो पहली बार देखा होगा तो भी आप झट से समझ जाएंगे कि ये वीडियो वायरल क्यों हुआ है। 1:26 के इस वीडियो में भीड़ है। उस भीड़ के बीच सफेद और काले रंग के कपड़ों में एक लड़की मौजूद है। लड़की एक एक करके आगे आ रहे लड़कों से गले मिल रही है, हाथ मिला रही है। दूर तक भीड़ के बीच खड़ी इस लड़की से गले मिलने के लिए लड़के लाइन में दिख रहे हैं। वीडियो में लड़की से कुछ दूर लड़कों से गले मिलने वाले लड़कों की एक लड़की गिनती करती नजर आ रही है। वीडियो में गिनती 15 से शुरू होती है, यानी लड़की 14 लड़कों से पहले ही गले मिल चुकी है। लड़की सबसे बड़े सामान्य तरीके से गले मिलती है। गले मिलने के बाद लड़की हाथ भी मिलाती है। इस बीच दूसरी लड़की लाइन में खड़े लड़कों से थोड़ा दूर खड़े होने को कहती है। सख्त हिदायत भी दी जा रही है कि जो लोग एक बार गले मिल चुके हैं वो दोबारा लाइन में ना लगे। वीडियो में 39वें सेकंड के बाद एक और लड़की गिनती करना शुरू करती है। वीडियो में सिर्फ युवक ही नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी लड़की से गले मिलने के लिए लाइन में लगे दिखे हैं। गले मिल रही लड़की भी आसपास हो रही बातों की परवाह किए बिना लड़कों से मुस्कुराकर गले मिल रही है। 1.5 मिनट के इस वीडियो में कैमरा जब पीछे की ओर घूमता है तो पता चलता है कि लड़की से ईद मिलने के लिए लड़कों की ये लंबी कतार किसी वेव सिनेमा हॉल के बाहर लगी थी। लड़की गले मिलते मिलते थक जाती है तो लाइन में लगे लोगों को कुछ देर रुकने का इशारा करती है। शायद बाहर मौसम का तापमान ज्यादा था इसलिए वो जमीन पर रखी एक बास्केट से कुछ उठाकर खुद को पंखा करने लगती है, जिसके बाद वीडियो यहीं खत्म हो जाता है। लेकिन दावा है कि लड़की इसके बाद भी कतार में लगे लड़कों से लगातार गले मिलती है। दावा ये भी किया जा रहा है कि लड़की लगातार कम से कम 50 लड़कों से गले मिली। सोशल मीडिया पर ये वीडियो ईद के बाद से जमकर वायरल हो रहा है, जहां ये भी बताया गया है कि वीडियो मुरादाबाद के वेव मॉल के बाहर का है। सारी कहानी वीडियो में दिख रही थी, लेकिन सवाल ये था कि आखिर वीडियो में लड़कों से गले मिल रही लड़की कौन है? मॉल के बाहर लड़की इस तरह से ईद की मुबारकबाद क्यों दे रही थी? लड़के लड़की से गले मिलने के लिए कतार में क्यों लगे हैं? साथ ही क्या ये वीडियो ईद का है या फिर नहीं?
ऐसे में मुरादाबाद के बताए जा रहे इस वीडियो की पड़ताल जरूरी हो जाती है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे बहुत से लोग देख रहे हैं। बताया जा रहा है ये वीडियो मुरादाबाद के वेव सिनेमा हॉल का है, जहां एक लड़की लड़कों से गले मिलकर ईद की बधाई दे रही है। वहीं वीडियो में ये भी दिख रहा है कि पीछे से एक लड़की काउंटिंग कर रही है और लगभग 50-60 लड़कों की लाइन लगी हुई है, जिससे लड़की बारी बारी से गले मिलकर ईद की बधाई दे रही है। आइए इस वीडियो की हम पड़ताल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है। वायरल हो रहे वीडियो की पड़ताल के लिए मुरादाबाद संवाददाता उसी स्थान पर पहुंचे जहां का ये वीडियो बताया जा रहा था। वीडियो मुरादाबाद के वेव मॉल का था, लिहाजा वहीं हमने अपनी पड़ताल शुरू की। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचे हैं वेव सिनेमा हॉल, जहां बताया जा रहा है कि वीडियो यहां बनाई गई थी और यहां पे वो कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था जिसमें लड़की ईद मिलन समारोह मना रही थी लड़कों के साथ। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये वेव सिनेमा हॉल है और वीडियो में ये वेव सिनेमा हॉल दिख रहा है और यहां पे जो लोकेशन आपको दिखाई दे रही है वीडियो में साफ तौर से ये सारी लोकेशन आ रही है। और यहां पे अब हम चलेंगे यहां के स्टाफ से बात करने के लिए। मॉल में पहुंचकर हमारे संवाददाता ने मॉल के सिक्योरिटी इंचार्ज से बात की, जिनका कहना था कि उस दिन इस घटना की उन्हें बाद में जानकारी हुई। सिक्योरिटी इंचार्ज का कहना ये भी है कि वीडियो ईद वाले दिन का ही है, जब भारी भीड़ सलमान खान की हालिया रिलीज फिल्म रेस 3 देखने के लिए पहुंची थी और वहीं वो लड़की और उसकी दो और सहेलियां लड़कों से ईद मिलन कर रही थी और जैसे ही उन्हें इसकी जानकारी हुई मॉल की तरफ से कार्रवाई की गई। सिक्योरिटी इंचार्ज यहां संतोष यादव हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वायरल हो रहा वीडियो क्या वेब सिनेमा हॉल का है और अगर वेब सिनेमा हॉल का है तो किसके द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था। एक्चुअली बाहर से आए थे लड़कियों, आने के बाद यहां पर हमें जैसे पता लगा है तो हमने पूछा था जिसने वाले लड़की ने अपना नाम नहीं बताया। उसके बाद हमने वो अपना जो उनका प्रोग्राम था वो बंद करवा दिया। क्राउड भी इतना था कि ईद की वजह से और जो सिक्योरिटी हमारी सारी तरफ लगी हुई थी तो वेब की पता लगा है हम लोगों को इस तरीके का कुछ कर रहे हैं तो हमने उसको बंद करवा दिया। लड़कियों के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि लड़कियां कौन थी और यहां आकर इस तरह से लड़कों से गले क्यों मिल रही थी, लेकिन मॉल स्टाफ की तरफ से उन लड़कियों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इसका जवाब भी संतोष यादव ने दिया। कोई पूछताछ नहीं किया, किसी कंपनी से आए हो या किसी, ऐसा कुछ नहीं पता चला, इसलिए भी नहीं करेगी। लेडीज थी, ज्यादा उनसे पूछताछ भी नहीं कर सकते। कार्रवाई तो कोई आपने नहीं सुना, कोई बदतमीजी किसी से नहीं की है या किसी गैस ने बदतमीजी करी होती, किसी प्रकार की कंप्लेंट होती है हमारे पास बदतमीजी की तो हम उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। आपने सार्वजनिक क्यों पे अश्लीलता टाइप की फैलाई है? सर अश्लीलता तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जानकारी और सीसीटीवी की फुटेज देखने के बाद ये भी सामने आया कि उस दिन वीडियो में गले मिलने वाली लड़की नीले रंग की स्कूटी पर आई थी, जहाँ उसकी दो और सहेलियां उसका मॉल के गेट पर इंतजार कर रही थी और फिर तीनों एक साथ मॉल में घुसी। लड़की की स्कूटी पर कोई नंबर प्लेट भी नहीं थी। मॉल में आने के बाद लड़कियों ने लड़कों से ईद मिलन किया, जिसके बाद करीब 6:06 पर लड़कियों को मॉल के बाहर कर दिया गया। यानी यह वीडियो ईद का है और ये सच है। वायरल वीडियो की पड़ताल में हमें संतोष यादव जो कि सिक्योरिटी इंचार्ज वेब सिनेमा हॉल के, उन्होंने बताया कि हाँ इस तरीके का एक प्रोग्राम यहाँ पे हुआ था जिसमें तीन लड़कियाँ लड़कों से लाइन लगा के गले मिल रही थी और ईद की बधाई दे रही थी। जब यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को ये पता चला तो उन्होंने मिलकर तीनों लड़कियों को यहाँ से हटाया और ये प्रोग्राम खत्म कराया। हमारे वायरल पड़ताल में ये वीडियो सच पाया गया है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ईद पर लड़कों से गले मिलने वाली ये लड़की कौन है और फिर हमने वीडियो वाली लड़की के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश जारी रखी, जिसके बाद सामने आया कि दरअसल लड़की ने ये सब ड्रामा YouTube वीडियो के लिए किया था जिसमें उसका कम से कम 100 लोगों से गले मिलने का टारगेट था। इस तरह हमारी पड़ताल में एक लड़की से ईद मिल रहे लाइन में लगे लड़कों का वायरल वीडियो सच साबित हुआ।